ओके आपका क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे डाउट है। अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोस आर 2/5 एंड -1/5 इज डैश। ठीक है, तो मतलब के दो जीरोस है, मतलब के एक की वैल्यू ऑब्वियसली हमारी अल्फा है, लेट्स से अल्फा 2/5 है एंड बीटा हमारा -1/5 है। आप इसे इंटरचेंज कर सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, पर मैंने यहाँ पे अल्फा को 2/5 लिया और बीटा को -1/5 ले लिया। चलो तो क्वेश्चन नंबर 18 में तो मैंने आपको बोला था, वैसे ही जो आपकी इक्वेशन है होती है वो क्या होती है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ज़ीरो, ये आपकी इक्वेशन होती है। तो के वैसे ना लिखो तो भी चलता है, पर हम नॉर्मली लिखते हैं, यहाँ पे वैसे के नहीं लिखा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा मतलब 2/5, बीटा माने -1/5 एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब कि 2/5 मल्टीप्लाई बाय -1/5 इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 1/5 एक्स प्लस माइनस 2/25 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे नीचे 1 हो गया हमारा एलसीएम, तो के ये 25 एक्स स्क्वायर हम एलसीएम ले रहे हैं, -5 एक्स -2/25 इक्वल टू ज़ीरो। 25 क्रॉस में जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। वैसे आप के को भी डिवाइड में ले सकते हो, के यहाँ पे डिवाइड में जाएगा तो वो भी होने वाला है 0। ठीक है, तो बचा क्या, 25 एक्स स्क्वायर -5x, सॉरी माइनस क्यों लिखा मैंने, माई मिस्टेक, यहाँ पे 2 -1 1 होता है, 25 एक्स स्क्वायर -5x -2, नहीं सही है, -5x -2 इक्वल टू, हाँ तो यही आपका आंसर है, 25 एक्स स्क्वायर -5x -2 इक्वल टू 0। ठीक है।